कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जावेद अहमद के 4 दिनों से लापता होने का मामला तोल पकड़ रहा है। जावेद अहमद हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल के मसूद अहमद के साथ कांग्रेस में वापसी की थी। 14 अगस्त की दोपहर वो घर से लखनऊ जाने के लिए निकले थे और 16 अगस्त को उन्होंने सुबह अपने मोबाइल से पत्नी को फ़ोन किया था और फैजाबाद जाने की बात कही थी। शाम को घर वापसी के लिए कहा भी था, लेकिन जब वो घर नहीं पहुंचे तो पत्नी ने उन्हें फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। तस्वीरों में पुलिस के साथ बातचीत व जानकारी दे रहा यह परिवार कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जावेद अहमद का है। जावेद अहमद पिछले 4 दिनों से लापता हैं। 14 अगस्त को दोपहर में लखनऊ जाने के लिए निकले थे और आखिरी बार उनकी बात परिजनों से 16 अगस्त की सुबह हुई थी, जिसमें उन्होंने फैजाबाद जाने व शाम तक घर वापसी की बात कही, लेकिन जब वो घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनके फ़ोन पर कॉल किया तो उनका फ़ोन नहीं मिला। परेशान परिजनों ने 18 अगस्त को लखनऊ व 19 अगस्त को सदर कोतवाली में गुमशुदी दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए त्रिपला चौकी प्रभारी विश्वास कौशिक ने परिजनों से मिलकर जांच पड़ताल तेज कर दी है। आइए देखते हैं रायबरेली से यह खास रिपोर्ट। क्या नाम है? सुरैया बेगम। अच्छा, आपने आज थाने में तहरीर दी है, क्या मामला है? गुमशुदी की रिपोर्ट लिखवाई है। मेरे चावल यहाँ से 14 तारीख को गए हैं और 14 को मेरी बात हुई, 15 को हुई, 16 की सुबह 7:30 के बीच में बात हुई। मैंने पूछा घर कब आओगे, बोले जा रहे अभी फैजाबाद, और फैजाबाद से शाम को घर वापस। फिर उसके बाद से शाम को 5 बजे फ़ोन हमने मिलाया तो वो स्विच ऑफ बताया। उसके बाद फ़ोन हम लोग मिलाते रहे, स्विच ऑफ भी बताता रहे, जब से हमारी कोई बात नहीं हुई। तो कहाँ से लापता हुए हैं? ये लखनऊ गए थे। तो लखनऊ में मुकदमा लिखा गया? जी वहाँ भी। क्या नाम है? जी मेरा नाम काशिफ जावेद है। क्या हुआ है? मेरे पिता 14 तारीख को गए हुए और 15 तारीख को मेरी बात हुई, 14 को बात हुई, 16 की कि 7 बजे बात हुई, बोले कि फैजाबाद जा रहे हैं और शाम तक ही आ जाएंगे। फिर उसके बाद से फ़ोन ने उनका स्विच ऑफ आ रहा है, उसके बाद फ़ोन लापता है। फिर सब जगह फ़ोन भी किया सबके दोस्तों के पास, वो बताने लगे कि मेरी नंबर है, अभी हमसे कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, बात नहीं हुई है, और जैसा अगर पता होता है तो बताना हमें। हमने वहाँ एप्लीकेशन दर्ज की लखनऊ में और यहाँ भी एप्लीकेशन दी है, तो पुलिस अपनी बात कर रहे हैं काम, तो जैसे सूचना मिल रही तो वैसे बता रहे सब। तो किस काम से गए थे वो? ये सब अपनी पर्सनल डिटेल नहीं बताते थे, किस काम से जा रहे, किस काम से आ रहे।